विकसित भारत के निर्माण में आज के दिन को याद करेंगी। आज एक साथ तीन तीन सेमीकंडक्टर यूनिट्स का भूमि पूजन है। इन तीनों प्रोजेक्ट्स और हाल ही में हुए माइक्रोन प्रोजेक्ट, इन चार को मिलाने से भारत में चार बड़े सेमीकंडक्टर प्लांट तैयार होंगे और भारत में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री स्थापित होगी। साथियों, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री फाउंडेशनल इंडस्ट्री है। हर वो चीज जिसको ऑन या ऑफ किया जाता है उसमें सेमीकंडक्टर लगता है। चाहे घर में लाइट हो, फैन हो, फ्रिज हो, टीवी हो, स्कूटी हो, बाइक हो, कार हो, ट्रेन हो, एरोप्लेन हो, फैक्ट्री में लगने वाली मशीनें हो, कंप्यूटर हो, मोबाइल फोन हो, हर चीज में सेमीकंडक्टर लगता है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के मिशन में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। और सबसे अधिक खुशी की बात यह है कि इन चार सेमीकंडक्टर प्लांट्स में से एक प्लांट भारत के नॉर्थ ईस्ट असम में आज लग रहा है। कितनी खुशी का वो दिन होगा जब अमेरिका में, यूरोप में, जापान में मेड इन असम, मेड इन गुजरात और मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप से बनने वाली कारें दौड़ेंगी, लैपटॉप बनेंगे, कंप्यूटर बनेंगे, मोबाइल फोन चलेंगे। आज के इन तीनों प्लांट और माइक्रोन के सेमीकंडक्टर प्लांट में एक और खासियत है, डबल इंजन की सरकार में कैसे काम तेजी से होता है, ये चारों के चारों प्लांट इसका उदाहरण है। माइक्रोन के प्लांट का माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने अमेरिका की स्टेट विजिट के दौरान जून 2023 में अप्रूवल किया। 90 दिन के अंदर अंदर गुजरात सरकार ने जमीन दी, सारी की सारी परमिशंस दी और फैक्ट्री का काम चालू हुआ। वैसे ही मोदी जी अपना खुद का रिकॉर्ड खुद तोड़ते हैं। टाटा और सीजी पावर के प्लांट 29 फरवरी 2024 में अप्रूव हुए और 15 दिन के अंदर अंदर आज माननीय प्रधानमंत्री जी इन तीनों प्लांट्स का भूमि पूजन कर रहेंगे। ये विश्व में रिकॉर्ड है। ये संभव होता है तभी जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जैसा डिसाइसिव लीडर एक देश में आते हैं, राज्य